गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने पैटर्न चैनल को स्टार्ट करवाया था एक्सरसाइज 8.2 को, और हमने आप लोगों को सिखाया था हाउ टू फाइंड द जनरल टर्म, और अगर हमारे पास गिवन टर्म की पूछी गई है तो उसको किस तरीके से निकालते हैं। आज हम आपको बताएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा फर्स्ट है, इसमें हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हमारा जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एक्सरसाइज 8.2 है, ठीक है। इसमें हमारा जो क्लेम है वो है टू फाइंड द कोएफिशिएंट, टू फाइंड कोएफिशिएंट ऑफ एक्स फाइव इन एक्स प्लस थ्री पावर एट। तो स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले देखेंगे द जनरल टर्म, इन द एक्सपेंशन इज गिवन बाय, तो टर्म जनरल टर्म होगी एक्सपेंशन में वो कैसे दी जाएगी, देखिए होगी टी आर प्लस वन एन सी आर, एन क्या है एट सी आर, ए की पावर एन माइनस आर, बी की पावर आर, ठीक है। ये हमारे पास लेकिन हमें देखो कोफिशिएंट किसका निकालना है, हमें निकालना है एक्स फाइव का कोफिशिएंट, तो बहुत क्लियर है, क्लियरली अगर मुझे आर तो निकल जाए मेरा क्लियरली, यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या है एट माइनस आर, यहाँ पे क्या है फाइव, एट माइनस आर इज इक्वल टू क्या आएगा फाइव, तो माइनस आर इज इक्वल टू फाइव माइनस एट, माइनस आर इज इक्वल टू माइनस थ्री, आर बेटा कितना मिल गया थ्री, चेक कर लीजिए, ठीक है। इसका हमने क्वेश्चन निकाला था एक्स फाइव का, यहाँ पे तो हमारे पास फॉर्मूला है टी आर प्लस वन एन सी आर, एन सी आर जनरल टर्म होगी ना, ये ए की पावर एन माइनस आर एट माइनस आर एंड बी की पावर आर, ठीक है। अब इसमें पुट कर लीजिए, तो देखो यहां पुट कर लीजिए आर की वैल्यू, पुट आर है थ्री प्लस वन ए सी थ्री, ठीक है, एक्स की वैल्यू एट माइनस थ्री आर की वैल्यू थ्री की पावर थ्री, एट फैक्टोरियल एट माइनस थ्री फैक्टोरियल थ्री फैक्टोरियल इंटू एक्स की पावर पाँच इंटू थ्री इंटू थ्री इंटू थ्री, ठीक है। तो बेटा कोफिशिएंट हमें किसका चाहिए, एक्स की पावर फाइव का, बस लिखने वाला चेक कर लीजिए, एट के बाद क्या आएगा सेवन सिक्स एंड फाइव फाइव फिफ्टी, ठीक है सर, कैंसिलेशन होगी, तो यहाँ पे कितना आ गया, यहाँ पे हमारे पास आ गया थ्री इंटू टू इंटू फाइव, यहाँ पे आ गया थ्री इंटू थ्री इंटू थ्री, तो बेटा ये सब कुछ इसका आ गया कोफिशिएंट एक्स फाइव, क्लियर, ये थ्री और थ्री कैंसिल, ठीक, टू बाय टू फोर टू जा एट, ठीक है। हमारे पास जो बचा है वो है फोर इंटू सेवन इंटू सिक्स इंटू थ्री इंटू थ्री, ठीक है, एक्स की पावर फाइव, ये जब भी मल्टीप्लाई पूरा करोगे तो जो भी आएगा वो हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो करना कैसे है इसमें देख लीजिए, ये आएगा ट्वेंटी एट, ट्वेंटी एट हो गया एटीन, एटीन थ्री चल फिफ्टी फोर इंटू एक्स फाइव, अब आप फिफ्टी फोर को मल्टीप्लाई कर लीजिए, फिफ्टी फोर मल्टीप्लाई बाई ट्वेंटी एट कर लीजिए कितना आएगा थर्टी टू थ्री चालीस फोर्टी थ्री, हाँ जी आठ दस दो ग्यारह, ठीक है चार एक पाँच पाँच, ये आएगा वन फाइव वन टू एक्स फाइव, तो देर फोर हम लिखेंगे को एफिशिएंट ऑफ एक्स फाइव इन कहाँ पे एक्स प्लस वी पावर जो पी था इज वन फाइव वन टू, ये रहा बेटा हमारा आज का पहला क्वेश्चन, ठीक है। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ
ए फाइव बी सेवन ए ए माइनस टू इज बराबर वन बाय सॉरी चलो अब हम इस क्वेश्चन को करेंगे तो हमारे पास देखो सबसे पहले तो बेटा हमारे पास देखेंगे द जनरल टर्म इन द एक्सपेंशन ए माइनस टू बी की पावर ट्वेल्व इज गिवन बाय तो टी आर प्लस वन आएगा एन सी आर ए की पावर एन माइनस आर की पावर आर आर क्या है आर आर ठीक है ट्वेल्व सी आर ए की पावर ट्वेल्व माइनस आर ठीक है माइनस वन की पावर आर टू की पावर आर और बी की पावर तो बेटा देखो क्लियरली यहाँ पे हम देख सकते हैं जहाँ तो सीधा आर बी की पावर देखते हैं यहाँ पे कितनी है यहाँ पे यहाँ तो जहाँ आप अगर यहाँ पे लेना चाहते हो ए की पावर ट्वेल्व माइनस आर इन फाइव को भी ले सकते हो तभी सेवन आएगा आर हमारे पास कितना है सेवन कितना है सेवन तो आप इसमें वैल्यूज पुट कर दीजिए यहाँ पे आपको मिलेगा therefore t 7 plus 1 12 c 7 a की पावर 12 minus 7 ठीक है minus 1 की पावर 7 2 की पावर 7 और b की पावर 7 ठीक है तो ये आ जाएगा 12 factorial 12 minus 7 factorial minus को आ जाएगा बाहर ये बाहर ये जो ठीक है तो यहाँ पे ना आएगा ए की पावर फाइव आ जाएगा दो की पावर सात आ जाएगा बी की पावर सेवन आ जाएगा बच गया ये देखिए चेक करिए तो इसको देख सकते हो आप माइनस ट्वेल्व इलेवन ठीक है सेवन तक भी आएगा ना सात ट्वेल्व इलेवन टेन एट सेवन तो नो भी चीजें टेन एट सेवन फैक्टोरियल ये पाँच ये सात ठीक है दो की पावर सात ए की पावर पाँच और बी की पावर सेवन यही का उपयोग चाहिए था इसका बस आप इसको सॉल्व करिए तो देखो माइनस ट्वेल्व इंटू इलेवन इंटू टेन इंटू नाइन इंटू एट पाँच चार तीन दो एक रहेगा दो एक दो तीन चार पाँच छः सात ए फाइव बी सेवन ठीक ये टू और ये टू कैंसिल फोर थ्री जा थ्री और थ्री कैंसिल फाइव टू जा बचेगा हमारे पास क्या माइनस इलेवन इंटू टू इंटू नाइन इंटू एट इंटू दो देखो कितने बार बच गए एक दो तीन चार पाँच छः तो यह आएगा सिक्सटी फोर ठीक है तो नीचे एक ना आएगा ए की पावर फाइव इंटू सेवन जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये ओब्जेक्टिव कोएफिशिएंट किसका होगा ए फाइव एंड बी सेवन का ठीक है तो इस तरह से आज हम हमने आपको बायनोमियल रूल सिखाया कि हाउ टू फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ ए कोएफिशिएंट ऑफ ए नंबर किसी भी कोएफिशिएंट निकाल सकते हैं जैसे एक्स फाइव का एक्स एन का जनरल में किसी भी एक्सपेंशन में तो ये हमारा आज का लेक्चर ऑन बेसिस ऑफ बायनोमियल थैंक यू वेरी मच